हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ हाउसलो हाई स्ट्रीट पे, और देखिए क्या क्या नए नए शॉप्स खुले हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए लैंगली फ्रेश जो एकदम क्वालिटी फूड्स के पास ही है, ये शॉप बहुत अच्छा है। इसमें आपको हर तरीके की सब्जी जो है आराम से आपको मिल जाएगा। और देखिए मैं हाउसलो हाई स्ट्रीट से निकलते हुए सीधा पहुँचूँगी एस्टा, और अब 9 o'clock होने जा रहा है। सब शॉप्स भी अब धीरे धीरे खुल जाएंगे। जो भी मेरे लोकल सब्सक्राइबर्स हैं, हाउसों में रहते हैं, उन सबको एक बिग हाई। आप सब लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। अभी देखिए नए नए बिल्डिंग्स बन चुके हैं हाउसों में, काफ़ी सारे फ्लैट्स आए हुए हैं नए नए हाउसों में, लेकिन हाउसों भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। ऑलमोस्ट 2000 pounds के नीचे ना आपको घर मिलना बहुत मुश्किल है। स्पेशली 2 bedroom अपार्टमेंट्स तो बहुत ही मुश्किल है, 1 bedroom तो शायद मिल भी जाए। या बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये है हाउसलो का स्क्वायर, जहाँ पे स्प्रिंग टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती है। यहाँ पे ये क्वालिटी फ़िश शॉप है, ये बहुत अच्छा शॉप है। ये फ़िश के लिए और सी फूड जो भी चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। ये है द फेमस बेल, ये एक पब है बट रेस्टोरेंट के जैसा भी लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। तो हाउसों का ये वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और हाउसों में हमें अपने कम्युनिटी के लोग, बहुत लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। कभी कभी मुझे ये भी डाउट होता है कि मैं लंदन में हूँ कि हैदराबाद में हूँ, कि काफ़ी मतलब मुझे तेलुगु लोग यहाँ पर दिखते हैं, तो सही लगता है कि इंडिया में ही हूँ, एटलीस्ट ऐसी लगता है मुझे फील। तो ये आ गए हम लोग मेन हाई स्ट्रीट एरिया में। देखिए क्रिसमस के लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये न्यू ईयर तक के लाइट्स रहेंगे। ठीक है मैक्स, ये मार्केट प्लेस है हाउसों का, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट H&M, ये 2-3 शॉप्स है ऐसे, नेक्स्ट H&M एंड TK मैक्स, ये तो यहाँ पे परमानेंटली है बहुत सालों से। लेकिन ऐसे कुछ शॉप्स होते हैं जैसे रिवर आइलैंड हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्ट से, बहुत सारे शॉप्स ना बंद हो जा रहे हैं, यहाँ से चल नहीं रहा होगा। देखिए क्रिसमस ट्री, और देखिए हाउस ऑफ हाई स्ट्रीट अभी 9 बजे काफ़ी हद तक खाली है, अब धीरे धीरे रश बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये है H&M, अच्छा खासा सेल लगा हुआ है यहाँ पे भी। और देखिए 9 बजे का टाइम है और सनलाइट का नामो निशानी नहीं है, काफ़ी अंधेरा जैसा लग रहा है। 8 बजे मैं निकली थी बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, तब तो और भी ज़्यादा अंधेरा था। ये एक छोटा सा शॉप है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगता है। कभी कभी डिस्काउंट में ना अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं वहाँ पर। वैसे हाउसों में खाने पीने के शॉप्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लोग खाने के शौकीन हैं तो हाउसो डेफिनेटली बेस्ट प्लेस है आने के लिए। हर टाइप के खाना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए लाइंस है यहाँ पे, बहुत सारे शॉप्स हैं इसमें, ऐसे कुछ ऐसे शॉप्स भी हैं जो हमें रेगुलरली काम नहीं आते हैं। और यहाँ पे जब विंटर का टाइम होता है ना, तो पेड़ों पे आपको एक भी पत्ते नहीं दिखेंगे, बहुत कम पेड़ों पे रहता है। स्प्रिंग और समर सीजन का जो बीच का टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, इतना सुंदर दिखता है हर चीज़, स्पेशली पार्क तो बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर ये है सुपर ड्रग, ये फेमस ब्यूटी शॉप है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है। क्रिसमस में भी यहाँ पे ना अच्छा खासा डिस्काउंट रहता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये है सैम पाउंड स्टोर्स वहाँ पे राइट साइड में, ये भी शॉप बहुत सही रहता है। हर चीज़ बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं उन लोगों के पास, लेकिन जो भी रहता है बहुत रीजनेबल प्राइस में रहता है। ये है यहाँ का फेमस शूज़ का शॉप, देखिए 75% ऑफ है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन रहते हैं इनके पास, शूज़ हैंड बैग्स, और पूरी फैमिली का शॉपिंग आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। और दूसरा शूज़ का शॉप है वो स्पोर्ट्स डायरेक्ट, वो भी बहुत अच्छा रहता है, उसमें भी अभी क्रिसमस में तो बहुत अच्छे अच्छे सेल लगते हैं। अगर कुछ अगर लंदन में आके आपको, यूके में आके आपको कहीं भी कुछ अगर शॉपिंग करना है ना, तो क्रिसमस का टाइम सबसे बेस्ट होता है, बहुत हैवी डिस्काउंट रहता है, बहुत हैवी डिस्काउंट। यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे तो प्राइमार्क रहेगा, इससे पहले भी मैंने एक टूर किया था,
तो फिलहाल हम लोग प्राइमार्क नहीं जाने वाले, लेकिन हम लोग ये साइड जाएंगे एस्टा। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने के शॉप्स हैं, देखिए कोकोरो, और यहाँ पे थोड़े शॉप्स और भी खुल रहे हैं खाने पीने के, तो इस साइड में बहुत है। देखिए ये है डेजर्ट्स का मूबू वो कैनमो, ये नया वाला आ रहा है कुछ, तो बहुत सही सही है एकदम। और ये है फ्लिपआउट जहाँ पे बच्चे जो है खेल सकते हैं, स्पेशली हॉलीडेज के टाइम पे इधर बहुत रश रहता है फ्लिपआउट में। ये वाला एरिया हाउसों का बहुत सही रहता है, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे बने हुए, इतने लंबे लंबे हैं। और देखिए इस फेमस स्टारबक्स, स्टारबक्स तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहता है, मैंने 2-3 कॉफ़ी शॉप्स मैंने ट्राई किया था, तो सब में मुझे स्टारबक्स और कोस्टा कॉफ़ी ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही रहता है इन लोगों का। और यहाँ पे भी सिने वर्ल्ड है मूवीज़, और उधर भी एक दो रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एरिया है ये, हैंग आउट करने के लिए भी बहुत सही है। इस टाइम पे आप दिन के टाइम में आओ यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, मेनली बिकॉज ऑफ सिने वर्ल्ड एंड स्टारबक्स। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मैं इस वीडियो में, सब 2000 से कम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कॉस्टली हो गया है। स्पेशली मुझे तो लगता है कि हाउसों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कहीं भी अगर परमानेंटली रहना है तो हाउसों से बाहर जाके रहो, और आपका इनकम बहुत अच्छा तब तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो यहाँ हाउसों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, सीरियसली बहुत मुश्किल है। ग्रॉसरी प्राइसेस तो ऐसे ऐसे चल भी जाएगा, लेकिन जो हाउस रेंट जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं दैट इज़ डेफिनेटली नॉट बेरेबल, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी सब लोगों के लिए यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ एज़्डा, और हमारा एज़्डा में देखेंगे क्या क्या डिस्काउंट पे है। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है बास्केट, और यहाँ पे ना एज़ में मैंने हमेशा देखा है कि लोग बास्केट को भी अच्छे से सैनिटाइज़ करते हैं, समथिंग विच आई रियली लाइक। फिर देखिए यहाँ पे प्लांट्स कितने सुंदर सुंदर आए हुए हैं एज़ में, और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो इस टाइप के प्लांट्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको प्लांट्स में इंटरेस्ट बहुत होता है, तो ये सब चीज़ें गिफ्ट किया जा सकता है। और स्पेशली अभी क्रिसमस का जो टाइम होता है ना, तो बहुत से लोग टीचर्स को या अपने ऑफिसेस में लोगों को इस टाइप के फ्लावर्स या कोई भी डेकोरेटिव चीज़ें गिफ्ट करते हैं, सो ये सब बहुत सुंदर भी है दिखने में। फिर बताया ये बहुत सारे अभी सुपरमार्केट्स में थोड़े दिन के लिए कुछ चीज़ें जो है आपको सिर्फ 15p में मिलेगा, वो है कैरेट्स, स्प्राउट्स, ब्रोकली, पॉर्न चिप्स। मतलब कितना सही है ये प्राइस, 15p मतलब बहुत ही कम होता है, और बस उतने में आपको ये ब्रोकली भी मिल जाएगा सब कुछ। मैंने भी एक ब्रोकली ले लिया, और ये मैंने बाकी सुपरमार्केट्स में भी देखा है, वहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही प्राइस था 15p, तो 20p के नीचे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। फिर मैंने ले लिए थोड़े से बैग्स, ये पेपर बैग्स है, क्या काफ़ी हैंडी होते हैं, हम लोग को कुछ सब्जी वब्जी रखने में काम आ जाता है, तो वो पेपर बैग्स तो फ्री थे तो मैंने वो ले लिया। और इस टाइप के बैग्स भी मेश वाले ले सकते हैं कुछ 20p, तब मेरे पास तो बहुत सारे थे तो मैंने पेपर बैग्स लिया है, और थोड़े जो भी जनरल कुछ सब्जी होंगे वो मैं यहाँ से लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में, और देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे प्राइसेस कम हुए हैं, जैसे कि टोस्टर है और सैंडविच मेकर हो गया, या फिर कोई चॉपर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा, और एक दो एयर फ्रायर्स पे भी यहाँ पे प्राइसेस कम हैं।
फिर किचन एंड बेकरी सेक्शन में भी जो हमारे बेकरी जो बेकिंग ट्रेज होते हैं और पैन्स होते हैं उसके ऊपर भी डिस्काउंट था, तो ये भी सेक्शन आप लोग एस्टा में चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला एक डिनर सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी कितना अमेजिंग है और ये सिर्फ 18 pounds में मिल रहा है। पहले इसका प्राइस था 22 pounds, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा प्राइस है। अगर आपको बेडशीट्स, पिलो कवर्स या डूविट कवर्स ख़रीदने हैं तो वो भी एस्टा में बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं। सिंगल जो फिटेड शीट्स होते हैं वो आपको 4 pounds में मिल रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड प्राइस। और इवन डूविट सेट्स पे भी काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है और न्यू कलेक्शंस भी आए हुए हैं क्रिसमस के लिए, विच आई एम जस्ट लविंग इट। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़े और रैंडम सामान ले लिए थे और मेरा शॉपिंग यहीं पे ख़त्म होता है एस्टा में। और जब भी आप लोग एस्टा में शॉपिंग करें तो डोंट फॉरगेट योर एस्टा रिवॉर्ड कार्ड्स, वो ज़रूर आप लोग स्कैन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।